ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो मैंने खुद अपने पे अप्लाई करी। आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ आपसे, वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। पहली बार टाइम मत वेस्ट करें, टाइम को कैसे मैनेज करें इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो जब हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, हम पूरी लाइफ को वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो दिन जिस दिन में हमने थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम वेस्ट किया, वो दिन नहीं आप वेस्ट करते हो, वो तो आप पूरी लाइफ को वेस्ट करते हो। दूसरा, हमेशा लर्नर बनो। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी आपको। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे थे जिनका बिजनेस ऑफलाइन चल रहा था, या कुछ जितने भी लोग थे यार, टीचर्स की बात उठा के देख लो, जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं हुआ होगा, है ना, या जिन्होंने अपने बिजनेस को कभी भी ऑनलाइन रन किया ही नहीं होगा, ठीक है, उनको पता ही नहीं था, उनको लगा शायद हमें सीखना ही नहीं चाहिए कभी भी। आज उनको ज़रूरत पड़ी ना, आज आपको हर टीचर ऑनलाइन पढ़ाता हुआ नजर आएगा, हर बिजनेसमैन ऑनलाइन काम कर रहा है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि मेरे को सब कुछ आ गया, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सीखते रहो, डेली डेली आपने ना एक टाइम सेट कर लो कि आधा घंटा, कम से कम भी आधा घंटा, 15 मिनट जो है वो डेली मुझे सीखना है। और ये नहीं है कि आलतू फालतू चीज़ें सीखो, वो चीज़ें सीखो जो आपके फ्यूचर को में काम आएंगी। टेक्नोलॉजी जो है वो बूस्ट कर रही है इस टाइम, आपको टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सीखना चाहिए। कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, हम इस पे अपने काम को कैसे लेके जा सकते हैं, वो चीज़ें आप सीखो जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेंगी। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करो, किसी से भी अपने दुख दर्द बयान मत करो। आप अपने आप से बात करते हो ना, आप बहुत हल्का फील करते हैं। हमें पता होता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट हमें अपने बारे में पता नहीं होता कि हमारे बारे में क्या है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता है ना। आपको पता है कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना। किसी भी लीडर के बारे में पूछ लो आपको पता होगा, किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में पूछ लो आपको पता होगा, बट आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो लाइफ में, यही नहीं आपको पता होगा। इसलिए डेली का ये काम है कि आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि मैंने आज कितना काम किया है, मुझे अब क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर आप अपने आप से डिस्कस करें, इससे आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में और कितना मैंने अचीव किया है लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ केयर करें, ठीक है, सेल्फ केयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आपको पता होता है कि मुझे अच्छे कपड़े डालने हैं, ठीक है, मुझे हमेशा साफ सुथरा रहना है, ठीक है। लेकिन जब आपको अपने आप से प्यार नहीं ना होता है, तो फिर आप क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो आपकी हेल्थ ही ख़राब क्यों ना हो जाए। हम मोटे हो रहे हैं ना, तो मोटे ही होते रहेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार ही नहीं है, तो क्या, अगर हमें कोई कहता है कि आप मोटे हो गए हो, है ना, हम उसकी बात का ज़रूर बुरा मनाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यार, अगर मेरे पे मोटापा आ रहा है तो इसके नुकसान क्या है। अगर आपको अपने आप से प्यार होता ना, तो ये मोटापा आपके ऊपर आता ही ना, है ना। इसलिए आप अपने आप से मोहब्बत करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, सुबह उठना ही चाहिए। जल्दी हमारी रूटीन ऐसी है कि हम रात को दो दो एक एक बजे तक हम फ़ोन पर बैठे रहते हैं, और सुबह फिर हमें 10 बज जाते हैं। वो लोग आधा काम कर चुके होते हैं जिनका कोई लाइफ का पर्पज़ होता है, बट हमारी सुबह तब होती है जब वो अपना काम फिनिश करके आते हैं घर। सुबह जल्दी उठने की आदत में, रात को आपको मूवी देखनी है ना, तो मूवी देखने के बाद आपको क्या मिल रहा है उससे, कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको किसी से चैटिंग करनी है ना, तो क्या मिलेगा चैटिंग करके, कुछ मिलने वाला है। फ़ोन पर बात करनी है ना, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे।
टाइम पे सो जाया करो, टाइम पे सुबह उठा करो, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, आप आगे बढ़ोगे। बातें कम करो और काम ज़्यादा करो। जो लोग बातें करते हैं ना, वो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं और काम करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है। इसलिए बातें कम करो और काम ज़्यादा करो, तभी मज़ा है।